हाय, माय नेम इज रितिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुमकुमादि ऑयल आज के डेट में ऐसा ऑयल हो चुका है कि हर ब्रांड अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसे इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज कर रहा है। जून का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। सो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मुझे फेशियल ऑयल यूज करने में दिक्कत हो रही है, बट कुमकुमादि ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है एक्चुअल में, मेरी स्किन को बहुत ज्यादा सूट कर, लेकिन इस गर्मी में यूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती हूँ, हद से ज्यादा। सो मैंने ढूंढा है ये एक ब्रांड जिसमें नाइट जेल है, जिसमें कुमकुमादि ऑयल इन्होंने एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया है और ये जेल फॉर्म में है। तो मेरा इस प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जाने से पहले प्लीज आप एक ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कंपनी क्या क्लेम करती है और मैं किस ब्रांड की बात कर रही हूँ। आयुगा 10% कुमकुमादि स्किन रेडियंस नाइट जेल। अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो 50 ग्राम हमें मिलती है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये रिड्यूस करती है डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन हटाती है, डीपली हाइड्रेट करती है और आपकी स्किन को रेडिएंट बनाती है। इसके चार की इंग्रेडिएंट्स हैं सैफ्रॉन, सैंडलवुड, मुलेठी एंड लोटस एक्सट्रैक्ट। द फॉर्मुलेशन कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ USD सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लाइक सैफ्रॉन, लोटस एक्सट्रैक्ट एंड 28 एडिशनल हर्ब्स। It is antiseptic, protects from sun damage and reduces signs of aging. It helps in boosting cell regeneration, improves blood circulation. आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, ब्राइटन करता है और कंट्रोल करता है मेलेनिन का प्रोडक्शन आपकी स्किन में और रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन। दिस जेल पेनिट्रेट्स इनटू द स्किन डीपली टू इम्प्रूव द हाइड्रेशन लेवल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले हमें फेस क्लीन करना है, सो मैं ले रही हूँ आयुगा का ही 5% कुमकुमादि फेस वॉश एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉशेस फॉर डार्क स्पॉट्स एंड साइंस ऑफ एजिंग। इट क्लेंस द स्किन डीपली बट स्किन को ड्राई नहीं करता है। ये हर स्किन टाइप के लिए है और आप इसे किसी भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स और यूज़ करने के एकदम बाद आप नोटिस करोगे कि चमक आ जाती है। आप मेरे फेस पे भी देख सकेंगे वीडियो में कि कितना रेडियंस आ जाता है आपके फेस पे से यूज़ करने के बाद। ये एक आयुर्वेदिक फेस वॉश है। फेस क्लीन करने के बाद आपको करना होगा बलून पोज योगा आसन। ये एक फेशियल योगा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने माउथ में एयर फिल करनी है, होल्ड इट टाइट फॉर 10 seconds, प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन योर लिप्स वाइल होल्डिंग योर ब्रेथ। इसके बाद आपको अप्लाई करनी है 10% कुमकुमादि स्किन रेडियंस नाइट जेल और उसके बाद आपको पिंच करना है अपना फेस ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा निखार आए और ये जेल अपना रिजल्ट बहुत अच्छा दे पाए। जब मैं फेस को पिंच कर रही थी, सो मेरी फेशियल मसल्स उस वक्त बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो पर्सनली ये वाली चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। सो अब बात करते हैं मेरे रिव्यू की। मैंने इसे 17 डेज यूज़ किया है और उसके बाद ही मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। 3 दिन पहले मैंने इसे यूज़ करना छोड़ दिया था, उस दिन तक 17 डेज हो चुके थे। इस ब्रांड के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है। सो इस ब्रांड का नाम आयुगा इसलिए बना है क्योंकि आयुर्वेदा प्लस योगा, यस, इन दोनों वर्ड्स को मिला के आयुगा बना है, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये प्रमोट करते हैं योगा, फेशियल योगा, जो कि आपको इनके प्रोडक्ट्स के साथ करना होता है ताकि वो बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज इट एंटी एजिंग? यस, बहुत हेल्प करने वाला है आपकी स्किन को, पर कुछ कारण होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन होता है, डस्ट होती है, अलॉन्ग विद दैट आपका लाइफ स्टाइल, आप कैसे खाते हैं, क्या खा रहे हैं, आप बेडशीट्स नहीं बदलते हैं, पिलोज नहीं बदलते तो आपका फेस उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं चेंज करते हैं तो, या फिर अगर आप सनस्क्रीन लगाते भी हैं और उसे रिप्लाई नहीं करते हैं और बाहर बहुत तेज धूप में जाते हैं। सो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे आपकी स्किन एज कर जाए। साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि ये जो कुमकुमादि ऑयल होता है आपकी स्किन को रेडियंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन एज हो रही है तो उसे एज होने से रोकता है, प्लस अगर ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका है आपकी स्किन को तो उसे रिपेयर भी करता है। एंड कुमकुमादि ऑयल एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन है कि एसेंशियल ब्यूटी ट्रीटमेंट में यूज होता था। अब बात करते हैं कि ये कौन से स्किन टाइप के लिए है। ये हर स्किन टाइप के लिए है, बट पर्सनली आई वुड से कि जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन भी है उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर समर्स, क्योंकि ये आप जैसे लगाएंगे ना इसे स्किन में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लगाओगे बाद में एब्जॉर्ब पहले होता है, गायब कहाँ हो जाता है पता भी नहीं चलता। इसके बावजूद भी आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट कर देता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं फील होता है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर समर सीजन। मुझे इसका टेक्स्चर इतना अच्छा लगता है कि मैं इसे कई बार मॉर्निंग में भी यूज़ कर लेती हूँ एज अ फेस मॉइस्चराइजर। सो एक चीज़
और बताना चाहूँगी, जिन लोगों को स्वेट ज़्यादा आता है वो इसे एज अ फेस मॉइस्चराइजर मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनी ने नहीं कहा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं आता है। जो लोग बाहर जाते हैं और उन्हें फेस मॉइस्चर लगाना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्वेट प्रोड्यूस कर देते हैं फेस पे, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। जिनकी कॉम्बिनेशन ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है और आप मैट फिनिश वाला कोई फेस मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, सो ये एज अ फेस मॉइस्चराइजर भी काम करता है समर्स में, क्योंकि जेल बेस्ड है और बिल्कुल मैट फिनिश देता है। या एज अ फेस मॉइस्चराइजर मैं इसे सजेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों को समर्स के लिए। व्हाट अबाउट द फ्रेग्रेंस? द फ्रेग्रेंस इज सो माइल्ड येट वेरी अमेजिंग, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड नाइट जेल। और इसे यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मेरी पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट 99.99% गायब हो चुकी है। ये सीरियसली अगर किसी को पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, सो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उन्हें रिमूव करने में। थोड़ा टाइम लगता है, मेरे बहुत कम रह गई थी पिगमेंटेशन, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है एकदम से। लेकिन जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम देना, ये नहीं कि 15 दिन में आप कहने लगे। डिफरेंस तो आपको देखो 3 दिन में ही पता चल जाएगा, क्योंकि 3 दिन में आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लग जाती है, रेडियंस आ जाता है आपके फेस पे। और कुमकुमादी ऑयल की प्रॉपर्टीज ही कुछ इस तरीके की होती है, और इसके अंदर यू नो कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लोटस एक्सट्रैक्ट्स वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है स्किन के लिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सो कुछ दिन आप इसे यूज़ करके देखेंगे कि आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज़ 10 दिन में होगी या 15 दिन में होगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको 2-3 महीने दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, अपने स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो भी आपको यही बोलता है कि 6 महीने तक वेट करो। लेकिन मैं 6 महीना भी नहीं कह रही हूँ, आपको 3 महीने में इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा। वैसे तो 3 दिन में आपकी स्किन रेडियंस आपके फेस पे दिखेगा आपको, और साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स फेड होते हुए आपको 10 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो एक बेस्ट रिजल्ट आता है, थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद आता है। अगर आपने इसको यूज़ किया, सो आई कैन यू नो अश्योर यू कि आपको दिन में मेकअप करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सिर्फ क्लेंजिंग करो, टोनिंग की ज़रूरत है, टोनिंग करो, मॉइस्चराइजिंग करो और सनस्क्रीन लगाओ, एंड यू आर रेडी टू गो। एक छोटी सी बात आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट को 3 दिन पहले यूज़ करना बंद कर दिया था। अब आप लोग कहोगे, जब आप इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आपने इसे बंद करना क्यों छोड़ दिया था, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैंने एक नया प्रोडक्ट आप लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए यू नो यूज़ करना स्टार्ट किया। सो मुझे यहाँ पर हल्का सा पिंपल सा हुआ है, सो मैंने उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दिया। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ आगे। सी, मेरा काम है वीडियोस बनाना, ये मेरी अर्निंग का सोर्स है, ये मेरा करियर है यूट्यूब वीडियोस। सो मेरा जॉब है कि आपको नए नए प्रोडक्ट्स रिव्यू करके दिखाना, ताकि आप चूज़ कर सकें कि आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इंसान के पास स्किन केयर के लिए एक लिमिटेड अमाउंट होता है खर्च करने के लिए। सो वो बहुत सारी वीडियोज़ देखता है, उसमें उसको आइडिया हो जाता है कि मेरी स्किन इनसे मिलती है या मेरा स्किन टाइप इन जैसा है, तो मुझे ये सूट हो सकती है प्रोडक्ट। जिस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा है, अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके मन में डाउट रहता है कि यार ये तो इतना, क्योंकि मुझे आते हैं ऐसे कॉमेंट्स, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, तो बिल्कुल सही बात, लेकिन आप लोग सोचिए ये मेरा काम है। जैसा कि मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाए और मैं सिर्फ उसी यूज़ करती रहूँगी, सो मेरे पास सिर्फ एक वीडियो की बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन मुझे और भी वीडियोस बनानी है, सो उसके लिए मुझे और प्रोडक्ट्स रिव्यू करने पड़ते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो कि आप मुझे कॉमेंट्स में करते रहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक QR कोड मिलेगा, जब आप उसे स्कैन करेंगे तो आपको मिलेगा एक वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आपको कौन सा फेशियल योगा करना है, वो है बलून फेशियल योगा। सो आप उसे सीख सकते हैं वहाँ पे। वैसे मैं भी आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और फेस योगा कैसे करना है। लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 17 दिन का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है मेरी स्किन पे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो लोग डरते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने में अपने फेस पे, क्योंकि किसी किसी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है या बिल्कुल कुछ भी नया ट्राई करते हैं और एक्ने हो जाता है। इट गिव्स प्लम्प एंड यूथफुल स्किन, और मैं ऑलरेडी फैन हूँ कुमकुमादी ऑयल की, आपको पता ही होगा, मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हुए आप जान जाएंगे इस चीज़ को। सो ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे कोई भी पिंपल नहीं हुआ है, कोई भी मतलब कुछ भी एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है कि खराब मैं बता पाऊँ, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। ये जेल स्किन को काम करता है और सच में पिगमेंटेशन हटाता है, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस कर देगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको कभी ऐसी गलत बात नहीं बताऊँगी। लेकिन आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट
will definitely give you results. I would highly recommend this product and this product is value for money. अगर आपको लगता है product आपके लिए है, so आप इसे purchase कर सकते हैं आयुगा की website से या Nykaa, Flipkart और Amazon पे भी available. इस video के नीचे description box check करना ना भूलें, जहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं मैं सारी websites के link provide कर दूंगी. साथ ही साथ एक coupon code भी होगा, अगर आप वो coupon code use करते हैं तो flat 20% आपको off मिलेगा. मुझे इसमें से कोई भी commission नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ आपके लिए है. अगर आप लोग Instagram पे और मुझे वहाँ follow नहीं करते, so please मुझे वहाँ follow करिए. रितिका कोहली मेरी ID है और description में link provide करूँगी, वहाँ से आप मुझे follow कर सकते हैं. वहाँ मैं अपनी life की बहुत सारी चीज़ें update करती रहती हूँ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, so please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें. शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, so please शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊँ. Till then, take care, bye bye.